हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो पैड एयर जो है इस टैब को जो है मैं कंपेयर करने वाला हूँ रियल मी पैड के साथ। सो गाइस, ये जो दोनों ओप्पो पैड एंड रियल मी पैड जो इंडिया में आ चुके हैं इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों पैड्स में से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, किसमें क्या खूबी है, किसमें क्या जो है वो डिमेरिट है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओप्पो पैड एयर से। तो इसमें आपको 6.94 mm का जो है आपको थिकनेस मिलता है, एंड रियल मी पैड में आपको 6.9 mm का थिकनेस मिलता है। ओप्पो पैड एयर में आपको 10.36 इंच का 2K IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, एंड रियल मी पैड में आपको 10.4 इंच का 2K IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही में आपको 1200x2000 पिक्सल्स मिल जाते हैं। दोनों ही जो वो 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं। ओप्पो पैड एयर में आपको 120Hz का टच सैम्पलिंग रिस्पॉन्स सपोर्ट करता है, और रियल मी पैड में ये चीज़ जो वो नहीं दिया गया है। ओप्पो पैड एयर में आपको स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट मिलता है, एंड रियल मी पैड में आपको मीडियाटेक का हेलियो G80 वाला चिपसेट मिलता है। ओप्पो पैड एयर में आपको ऑक्सीजन OS 12 मिलता है, एंड रियलमी में आपको रियलमी UI फॉर पैड मिल जाता है। दोनों ही में आपको एंड्रॉयड 12 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। ओप्पो पैड एयर में 6GB रैम एंड 128GB रोम तक का सपोर्ट मिलेगा, एंड रियलमी पैड में आपको 4GB रैम एंड 64GB रोम तक का सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही में आपको SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, और दोनों ही पैड्स में आपको जो है वो 8MP का रियर कैमरा मिलता है। ओप्पो पैड एयर में आपको फ्रंट साइड में 5MP का जो है वो कैमरा दिया गया है, एंड रियलमी पैड में आपको 8MP का। दोनों ही पैड्स में आपको 7100mAh का बैटरी दिया गया है। दोनों ही में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। दोनों ही में आपको USB Type-C का पोर्ट मिलता है। ओप्पो पैड एयर में आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, एंड रियलमी पैड में आपको ब्लूटूथ 5.0। दोनों ही जो पैड्स हैं इसमें आपको क्वाड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है डॉल्वी एटमॉस के साथ, और ओप्पो पैड एयर में आपको 6GB रैम एंड 64GB का प्राइस है 16,999 rupees, एंड रियल मी पैड में आपको 3GB रैम एंड 32GB का प्राइस है 12,999 rupees, एंड 3GB 32GB का प्राइस है 14,999 rupees LTE वर्जन का। ओप्पो पैड एयर में आपको 4GB रैम एंड 64GB का 16,999 rupees, एंड 4GB 128GB का वाईफाई ओनली आपको मिलता है 19,999 rupees। सो गाइज, यहाँ पे आप दोनों पैड्स को जो है आप कंपैरिजन में देख चुके हैं। यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही कम जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बट प्रोसेसर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक में आपको मीडियाटेक का हेलियो G80 वाला चिपसेट मिलता है, और ओप्पो में आपको स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट मिलता है। तो प्रोसेसर में आपको डिफरेंस मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। 4GB 64GB वाले वेरियंट में अगर आप जाते हैं ओप्पो के साथ, तो आपको 17,000 rupees तक का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप जो है वो Realme पैड के साथ जाते हैं 3GB 32GB, तो यहां पे आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक LTE और दूसरा वाईफाई। बट ओप्पो में आपको दोनों ही वाईफाई वेरिएंट मिलते हैं, वाईफाई में ही आया है ये। बट Realme में आपको जो है वो LTE वर्जन में मिलता है, जिसमें आप सिम कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं, और नेट ये सब यूज करने में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो LTE वर्जन का प्राइस है 14,999 rupees Realme पैड का, और वाईफाई ओनली का 12,999 rupees। तो ये दो डिफरेंस है जो मेन डिफरेंस है इन दोनों पैड्स में। बाकी आपको मिला जुला कर ये दोनों पैड्स जो है वो काफी सिमिलर हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।